कैसे आप सब? ओ बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, सॉरी। और कैसे आप? सो आप सब, और आज का जो है ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज फ्राइडे है और आज मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। कल लगवाने जाती पर जो मेहंदी लगाती हैं उनका जो है वो अपने मामा के यहाँ जा रही हैं, तो आज मैं मेहंदी लगा रही हूँ। रक्षाबंधन ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने आज से ही, तो ये ब्लॉग कितना बड़ा है मैं बता नहीं सकती हूँ। इसको कहाँ कहाँ तक मैं कंटिन्यू करूँगी और हो सकेगा तो मैं हर चीज़ जो है आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और ये देखिए मैंने चूड़ियाँ हटा दी क्योंकि मैं ना यहाँ से मेहंदी पूरी लगवा रही हूँ इसीलिए। और अभी मैंने ना तबीयत थोड़ी आज मेरी दो दिन से सच करना था, तबीयत मेरी गड़बड़ है। मैंने आज फ्राइडे को कोई भी ब्लॉग कोई भी वीडियो नहीं गया है फिलहाल। मुझे एडिट भी करना था पर मेरी थर्सडे को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं कर पाई थी। और आज मैंने मेडिसिन वगैरह कल रात में खा लिया था तो मुझे काफ़ी रिलीफ भी मिल गया है। अभी फिर जा रही हूँ मेडिसिन खाने के लिए। मैं नहीं चाहती मेरा इस बार ये वाला जो फेस्टिवल है ख़राब जाए, तो बस चाहूँगी कि अच्छे से अच्छा ही जाए। और मैंने कॉम वगैरह कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेहंदी लगवाने जा रही है तो मैंने कहा बाद में ही करूँगी। फिलहाल तो मैंने जूड़ा कर लिया था और हाथ कितने अजीब लग रहा है। देखिए भी मेहंदी नहीं गई, आप करो बेटा, मम्मा नहीं कर पाती, आप करो। आप लोग का प्रोजेक्ट है ना कल का, बच्चों का कोचिंग में प्रोजेक्ट मिला है क्ले से जो है अच्छी सी राखी बनाने के लिए। मैम ने बना के भी दिखाया था कि इस तरह से आपको बनाना है। और देखते हैं अभी क्या होता है। मेहंदी वाली आ रही है, उसके बाद जो आप लोगों से मिलती हूँ मैं। दवा वगैरह खा लूँ, खाना मैंने भी नहीं खाया क्योंकि ना परेठे खाए थे सुबह नाश्ते में और फिर इतनी जल्दी मुझे भूख नहीं लगती। 2-3 बजे फिर मैं खाती हूँ खाना, मन होता है तो खाती हूँ खाना नहीं तो नहीं खाती हूँ। और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है बराबर 12 बज रहा है। अभी उस दिन की मेहंदी देख सकते हैं आप, मेरे हाथों में अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की सी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ मेरे चूड़ी पहना था ना तो यहाँ की बिल्कुल भी नहीं हटी। और सच बताओ इतने दिन से मैंने चूड़ी पहना था, मेरे इतने ज़्यादा दाने निकल आए, छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा दाने निकल आए। तो मैंने इसीलिए ना चूड़ी इस वजह से और उतार दिया कि मैं कल तक जो है एक दो दिन नहीं पहनूंगी तो दाने भी सही हो जाएंगे। और मेहंदी लगनी थी तो इसी वजह से फिर मैंने कहा पूरी लग भी नहीं पाई थी। सो देखते हैं अभी जो है ना मैं आप लोगों से मेहंदी के डिज़ाइन वगैरह थोड़ा बहुत ब्लॉग जो है ना इसमें भी शेयर कर लूँगी। मैंने सावन का भी ब्लॉग में शेयर किया था आप लोगों से डिज़ाइन, बट ज़्यादा नहीं कर पाई थी। पर इसमें पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से शेयर करने की। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल में आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइस देख सकते हैं आप मेरी मेहंदी जो है किस तरह की रची है। अभी नॉर्मली भी मैंने छुटाया है, सूख गई थी और अभी तब भी बहुत अच्छी रच चुकी है। ये देख रहे हैं आप इस तरह से डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। और अभी कल सुबह तक ना और भी ज़्यादा जो है अच्छी रच जाएगी। और ये देख रहे हैं आप ये वाली हैंड की मेरी, ये देख सकते हैं आप इस तरह से लगी हुई है। और ये देख रहे हैं आप पीछे की डिज़ाइन है। मैंने ना गूगल से डाउनलोड किया था डिज़ाइंस और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने गूगल से डाउनलोड करके जो है लगाया था लगवाया था सॉरी।
तो ये मेहंदी देख रहे हैं आप, मेरी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत ज़्यादा घनी मेहंदी नहीं चाहिए थी फिलहाल। जैसे दुल्हन टाइप की होती है तो वो बहुत अलग होती है, उसको बहुत टाइम लगता है रखने में भी और हालत ख़राब हो जाती है इतनी देर मेहंदी सुखाते सुखाते जो है। और अभी शाम का टाइम हो गया 6:15 हो रहा है ऐसे, उससे दिन पहले चाय वगैरह पिया, नाश्ता वगैरह किया, मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तो सोनामाली का पोहा वगैरह जो उन्होंने बनवाया था, मैंने आज खाना नहीं खाया था दुख सुबह, क्योंकि मेहंदी लगाया और फिर सुबह पराठे खाए थे ना, तो फिर कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। बार बार ये कहते कि खा लो, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी पराठे से, मैंने खाना नहीं खाऊंगी। तो फिर शाम को चाय वगैरह और थोड़ा सा पोहा वगैरह खा लिया था। और मेहंदी जो है मेरी रच गई है, ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया है तो स्टार्ट जो है फिर आप लोगों से बात भी कर दूँ। और यहाँ पर इस जगह पर जो है नाम लिखा है इनका मैंने, इस जगह पर अभी आप लोग को नहीं दिखेगा, और नेल पॉलिश की वजह से मेहंदी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और कल तक जो है ना बहुत ही अच्छी लग जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं और मेरी बेटी ने भी मेहंदी लगाया है। बेटो दिखाओ आपकी मेहंदी, और बेटी ने मेरी मेहंदी, फर्स्ट टाइम मैंने बेटी को मेहंदी लगाई, पहले छोटी थी तो इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं शौक होता है। और ये देखिए मेहंदी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बाबू ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ये देख रहे हैं, और बैक की दिखाओ, बैक की ये देखिए, बैक में काफ़ी ज़्यादा कम रचती है हमारे बैक में, पता नहीं क्या है ऐसा, बैक में अक्सर कम रची थी, मेरे बहुत ज़्यादा रची पर इसकी कम रची है बैक में, और आगे काफ़ी अच्छा और ज़्यादा खिल के आ रहा है। बच्चों के हाथों में क्या है ना मेहंदी और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और रक्षाबंधन ब्लॉग आपको जो है मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी रक्षाबंधन में। अभी हम जा रहे थे सिस्टर के, पर यहाँ इतनी बारिश हो रही है, शाम को वो कुछ स्पेशल बना रही हैं बहुत ही अच्छा सा, तो मैं आप लोगों से सोच रही थी वहाँ पे भी ब्लॉग शेयर करूँगी, पर देखिए क्या होता है हम लोगों का। जब तो मैं सोच रही थी कि चोरी, अभी मैं सोचती हूँ अभी आज और कल ना ही पहनूँ ठीक है, क्योंकि दाने से हो गए और बहुत ज़्यादा मेरे का ऐसा ना हो कि, और चूड़ी पहने तो कुछ चुभन सी हो रही है दानों की वजह से, तो सोच रही थी कि अभी एक दिन चूड़ी ना पहनूँ तो थोड़ा सा हाथों में जो है ना आराम भी हो जाएगा। सेट हटा दिया था मैंने, निकाल के रख दिया। और जा रहे थे हम लोग सिस्टर के यहाँ, और यहाँ इतनी बारिश हो रही है, मतलब कल से आज तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, दिन में धूप भी बहुत तेज़ निकली है, ऐसा नहीं कि धूप नहीं निकली, सूर्य देवता जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं, अपने स्पेस जो है ज़रूर दिखाते हैं, तो बहुत तेज़ धूप निकली, फिर कस के मौसम बना, एकदम से अंधेरा सा हो गया, और फिर इतनी तेज़ी से बारिश हुई है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज़ी से बारिश हुई है, अभी भी बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है समझ लीजिए। और सिस्टर के जाने के लिए सोचा था, देखो पता नहीं क्या होता है, मैं जा पाती हूँ भी या नहीं पता। और बाल देख रहे हैं, कॉम भी नहीं किया मेरे, आज बाल ऐसे ही बंधे हुए हैं, और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाया था आज, ये समझ लीजिए मेरे आज छः प्रोडक्ट मंगवाया फ्लिपकार्ट से, और ये समझ लीजिए आज एक आ पाया एंड और भी दो आने थे नहीं आ पाया, क्यों, सिर्फ बारिश के वजह से, पूरे कानपुर मतलब कई कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो आई थिंक आज वो, वाह वेरी नाइस। ये देखिए बेटी को मैंने जो है ना बताया था आप लोगों को, कोचिंग में जो है प्रोजेक्ट मिला था राखी का, तो ये देखिए क्ले से इन्होंने कितनी प्यारी सी राखी बनाई, ये देखिए देखो कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी। और बेटू आप इसको ना वहाँ रख दो, वहाँ पर टीवी के पास रख दो ठीक है, और देखना डेडास के ऊपर कुछ चाबी वगैरह ना रख दे नहीं तो खराब हो जाएगी ठीक है। चाहती हूँ जो मेकअप लुक मैं करूँगी तो उसका बहुत अच्छा वीडियो भी आप लोगों के पास आ जाएगा। आज फ्राइडे को कोई व्लॉग नहीं आ पाया, मैं फिर से बता रही हूँ, मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, एंड कल ब्लॉग आ सकता है, बाकी ब्लॉग ही इस समय मैं कोशिश करूँगी, मेरे बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम्स हो रही है तबीयत की, मैं क्योंकि जो कचौड़ियाँ बनती हैं ना वो बनाई हैं, साबुदाने के बड़े जो बोलते हैं, बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और तो वो बड़े बनाएंगी, तो उसी के लिए बुलाया था कि वो बना रही, तो आ जाना आप, बारिश इतना मौसम ख़राब है, अब देखिए पता नहीं क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी मेहंदी डिज़ाइन के सारे वीडियोज़ मैंने आप लोगों को दिखाया है, कैसी लगी डिज़ाइन आप लोग ज़रूर बताया कमेंट करके। और मैंने ये जो है ना पूरे, मैंने इस बार ये वाले हैंडल ज़्यादा मैंने भरी नहीं लगवाया, और यहाँ से मैंने शॉर्ट करवाया था, क्योंकि पता है बहुत टाइम लग जाता लगाने में भी, समझ लीजिए वो 1:15 आई थी, वो अभी गई है, चाय वगैरह पोहा वगैरह खा पी के तब वो मैंने कहा तुम जाओ ऐसे, तो वो अभी गई है समझ लीजिए, और ये देख सकते हैं आप। और इसमें मैंने ज़्यादा फुल नहीं लगवाया, यहाँ तक तो लगवाया, पर ज़्यादा यहाँ पीछे वाली मैंने हाफ डिज़ाइन की दिया था ऑनलाइन, मतलब ना मैंने गूगल से डिज़ाइन दिया हुआ था, तो वही वो लगवाई, मैंने कहा फुल नहीं लगवाना। और मेहंदी का अगर जैसे लोग पूछते हैं कितना में लगी मेहंदी, तो मैं आपको बता दूँ मेरी मेहंदी बहुत सस्ती लगी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, मतलब सस्ती क्या मतलब इतना नॉर्मली कह सकते हैं, नहीं तो अगर आप पार्लर में जाएंगे ना तो ये मेहंदी डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा महंगी बहुत ज़्यादा मतलब महंगी लगती है, बहुत ज़्यादा ही महंगी लगती है। बेटी का जो है ना मैंने कितना
हम लोगों का 300 रुपये लगा मेहंदी का। मेरी मेहंदी में जो है लगनी है फिलहाल, और बहुत ज़्यादा नहीं। आप पार्लर में जाएंगे तो अभी समझ लीजिए पार्लर में मतलब ना जो आधे आधे हाथ की जो होती है अब अरबिक मेहंदी जो कहते हैं उसी में से मान लीजिए कि 50 रुपये लेते हैं वो लोग, वो भी सिर्फ एक हाथ के आगे के। तो उस हिसाब से जो है ना बहुत अच्छी डिज़ाइन लगी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर मेरी मेहंदी डिज़ाइन जो है कैसी लगी है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा पसंद आएगी। तो मेरे ब्लॉग को भी प्लीज़ पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं मेरे, तो मुझे बहुत। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।